अरे सौम्या को भी गुस्से में क्या हो जाता है, ना फोन का रिप्लाई कर रही है ना मैसेजेस के, कैसे समझाऊं उसे। सौम्या प्लीज एक बार मुझसे बात कर, तुम जानती हो ना मैंने ऐसा क्यों किया। मैं जानती हूँ आपने ऐसा क्यों किया। क्या मतलब? आपने इशारा को डराने के लिए हॉस्टल जाने की बात की है। अंकल इस बार डरा नहीं रहा, करके दिखाऊंगा। सच्ची वो बहुत डर गई। अंकल आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो, मेरी जिंदगी तो खराब कर ही चुकी, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी खराब नहीं। हर दिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से इस घर में नया तमाशा हो रहा है। एक दिन चैन का, सुकून का नहीं मिला है मुझे। मेरी जिंदगी में ना ग्रहण बनकर छा गई। क्या हुआ दिल? लगता है तुमको सबसे ज्यादा ही परेशानी है, चाहे वो माँ बाप हो, पत्नी हो, बच्चे हो। ये क्या है माँ? दिख तो रहा है ना, घर की चाबियां है। हाँ पर आप मुझे क्यों दे रही हैं? अब इसे तुम ही रख लो। तुम सब कुछ संभालना चाहते हो ना, सारी जिम्मेदारियां उठाना चाहते हो, तो इसे भी रख लो और हमको आजाद करो। अब घर तुम ही चलाओ, क्योंकि तुम्हें किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं है, और हमको आजाद करो। और हाँ एक काम और करो बेटा, हमको वृद्धाश्रम में भेज दो, ना गुड़ रहेगा ना चीटियां आएगी। सही तो कह रही है कुसुम, हम लोग अपनी बाकी की जिंदगी वहीं बिता देंगे। पर आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसीलिए बेटा कि तुमको हमारी अब कोई जरूरत नहीं है। ईशाना को हॉस्टल भेजने जैसा बड़ा फैसला ले लिया तुमने, और हमको पूछा तक नहीं। हम ईशाना के दादा दादी होकर भी कोई नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं उसे हॉस्टल क्यों भेज रहा हूं, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, सब कुछ करके देख लिया, अब नहीं हो रहा तो क्या करूं। अब मैं ऑफिस छोड़कर घर तो नहीं बैठ सकता, और हम मंगल पर तो नहीं छोड़ सकते, वरना उसकी तरह नौवीं पास बनकर घर पे ही रह जाए। ठीक है बेटा, ठीक है, कर लो, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, तुमको हमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए जी, अब हम भी चल के ना अपना सामान पैक करते हैं, अब हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। चलिए। अम्मा मुझसे नाराज क्यों हो रही? मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा। अम्मा आप जानती हैं मैं आपको दुखी नहीं दे सकता, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके बिना जिंदगी गुजार सकती, एक दिन भी आप लोगों के बगैर नहीं गुजार सकता, कि आप अच्छी तरह जानती हैं। अम्मा मैं कान पकड़ता, उठक बैठक करता, आपके पैर पकड़ता, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप जानती हैं बचपन में जब मुझे जिद आता था, तो जब तक आप मुझे माफ नहीं करती थी मैं आपका पैर नहीं छोड़ता, ऐसे ही उठक बैठक करता, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी। अम्मा आप आजकल दिन समझो फिर आप। ठीक है, ईशाना को हॉस्टल भेजने का फैसला सब बाद में बैठकर कर लेंगे। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसे। हाय, मैं हूँ उर्वशी उपाध्याय। मैं हूँ अर्शिया शर्मा। और आप हमें देख रहे हैं टेली रिपोर्टर्स में। तो मेरे पास अब दो दर्द आ चुकी हैं, एक तो मुझे एलर्जी की पेट में दर्द थी ही, इन्फेक्शन थी, साथ ही साथ अब मुझे हॉस्टल नहीं जाना है, तो अब मुझे वहाँ का भी डर हो गया है कि पापा मुझे सच में हॉस्टल भेज देंगे। फिर मैं घर पे मम्मी के हाथ का, वैसे वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बट मैं उनकी प्रेज नहीं करती, तो अच्छा अच्छा खाना घर वालों को पसंद भी नहीं करती। हाँ तो फिर मैं इन सबको मिस करूँगी, तो मैं हॉस्टल नहीं जाना चाहती, बट पापा गुस्सा हैं और उन्होंने ये फैसला कर दिया है कि वो ईशाना को हॉस्टल भेज के रहेंगे, तो मैं बहुत रो रही हूँ। एंड दादा दादी मम्मी भी नहीं चाहते कि मैं हॉस्टल जाऊँ, तो दादा दादी हैं ये कुछ तो करेंगे, मुझे बचाएंगे होटल जाने से। अभी ब्रह्मास्त्र बाकी है,
है तो वो तो है ही मेरे पास, तो कुछ भी करके ईशाना को नहीं जाने दिया जाएगा। अगर ईशाना गई तो समझो सब जाएंगे घर से बाहर, कोई नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो अभी देखते हैं, इसके लिए आपको क्या ब्रह्मास्त्र देखने के लिए देखना पड़ेगा मंगल लक्ष्मी मैसेज से। सबसे ज़्यादा मैं बहुत दिल से शत मस्तक कोटि कोटि वंदन करके थैंक यू कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, हमारे सारे किरदारों को आपके दिलों में स्थान देने के लिए। ऐसे हमें प्यार करते रहिएगा, बिकॉज आपका प्यार है तो हम हैं, और हमें और मज़ा आएगा और इंटरेस्टिंग सीन्स करने में।